नमस्कार दोस्तों, मैं हाँ थोड़ा दोस्त मनु मोड़। तो कंप्यूटर के यही इंपोर्टेंट एमसीक्यू ने तो एग्जाम में बार बार यही रिपीट होंगे ने। चाहे तुम ट्रिपल एसएससी क्लर्क का एग्जाम दे रहे हो या फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दे रहे हो, सारे ही पंजाब के एग्जाम वास्ते काफ़ी बेनीफिशियल क्वेश्चन ने। ता करके सिर्फ वीडियो में देखो, नाल ही नाल इन्हों राइट डाउन भी जरूर कर लियो। ओके दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जे चैनल सबसक्राइब नहीं किया चैनल सबसक्राइब भी जरूर कर लो। एक की गल कर लेंगे हूँ, चार्ल्स बैबज द्वारा डिजाइन किया गया पहले कंप्यूटर का नाम क्या सी? चार्ल्स बैबज बारे अगे आप गल करेंगे कौन सी है। बाकी तुम्हें तो थ्योरी में भी क्लास मैं प्रोवाइड करावगा, बट ये एमसीक्यू ने काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कंप्यूटर के एमसीक्यूज प्रोवाइड करवा दो, मतलब कि यह वन लाइनर क्वेश्चन है, इन्हों लिख लो। सारे ही क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। ओके, तो जो चार्ल्स बैबज ने सब तो पहला कंप्यूटर का निर्माण किया, उसनों पंजाबी हिंदी में बोले तो इंतरंजन है उसका नाम। इसनों डिफरेंस इंजन ज एनालाइटिक इंजन के नाम नाल भी जाने जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर दो की गल करिए, कंप्यूटर का पिता किसनों मनिया जाता है? तो चार्ल्स बैबज ने ही पहला कंप्यूटर बनाया से, करके इसनों कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो यह कदों बनाया से इसने? डिफरेंस इंजन 1833 ईस्वी निर्माण कर दिता से। ओके, इस तो बाद गल करिए वाईफाई का पूरा नाम की है। वाईफाई का नाम ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, याद रखियो वायरलैस फैडलिटी जिहड़ा वाईफाई का पूरा नाम है। इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, हेठ लिखा कि ब्राउजर ज वैबसाइट का पहला मुख्य वैब पेज है? जो आप कोई भी ब्राउजर खोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर क्रोम ब्राउजर मोस्टली यूज करते हैं बच्चे, तो उस ते जो पहला पेज ओपन होंगे तो उसको आप किस नाम नाल जानते हैं? होम पेज के नाम नाल जानते हैं। ओके, इस बाद क्वेश्चन नंबर फाइव की गल करिए, मोडम किस नाल जुड़ा रहता है? मोडम जो टेलीफोन की लाइन नाल जुड़ा होता है। इस तो बाद सिक्स नंबर क्वेश्चन की गल करिए, मोडम शब्द का पूरा नाम की है? फुल मीनिंग जो मोडम का मोडूलेटर डी मोडूलेटर, काफ़ी बार एग्जाम ये रिपीट होया है, तो करके इस तरह के ईजी क्वेश्चन पिछे अपना एक नंबर ना गवाओ, चंगी तरह इन्हों राइट डाउन कर लो तो लिख भी जरूर लियो। एंड दोस्तों, जो तुम कंप्यूटर की आल क्वेश्चन की PDF फाइल जिहड़े भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल काफ़ी इंपोर्टेंट है, आल क्वेश्चन की PDF फाइल बाय करना चाहते हो सिर्फ 44 रुपीज़ में, यानी 40 रुपये में, तो इंस्टाग्राम पर मैं डायरैक्ट DM कर सकते हो, उतने PDF सेंड कर दी जाएगी। ओके, इस तो बाद गल करिए क्वेश्चन नंबर सात की गल करिए, कोड स्क्रैम्बलिंग की कहिंदे ने? कोड स्क्रैम्बलिंग की कहिंदे ने? तो इनक्रिप्शन फाइल होंगी उन्होंने वास्ते कोड स्क्रैम्बलिंग वरतों की जाती है। ओके, इस तो बाद गल करिए क्वेश्चन नंबर आठ की, बिजली की असफलता के दौरान डाटा नुकसान तो बचाने लिए किहड़ा उपकरण वरता जाता है? जो आप कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे हैं उस टाइम लाइट चली जाती है तो अपना डाटा जोड़ा वो लूज हो जाता है, मतलब डिलीट हो जाता है या कि खो जाता है, तो इस चीज़ को सेव रखने वास्ते किस की जरूरत होंगी? UPS की जरूरत होंगी है। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो अनइंटरप्यूटेड पावर सप्लाई इसको कहा जाता है। ओके, तो इस तो बाद गल करिए क्वेश्चन नंबर 9 की, कैथोड रे ट्यूब के एक उदाहरण, जोड़े मोनीटर होंगे अपने कंप्यूटर नाल जुड़े होंगे ना, CPU नाल मोनीटर जुड़े होंगे, वह कैथोड रे ट्यूब द्वारा चलाए जाते हैं, तो यह एक चंगे उदाहरण है मोनीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की गल करिए, बाइनरी नंबर को की कहा जाता है? एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, याद रखियो बाइनरी नंबर को बिट कहा जाता है। कई ऑप्शन की लिखा होगा, बिट लिखा होगा, बाइट लिखा होगा, तो बाइट्स लिखा होगा, तो एक अद्धा होर कोई ऑप्शन होगा। ठीक है, तुम कन्फ्यूज ना हो, बाइनरी नंबर को बिट कहा जाता है, तो बाइनरी नंबर कौन से होते हैं? 1 से 0, जिहड़ी कि यह कंप्यूटर की लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज है, उसनों 1 से 0 में आप बाइनरी नंबर कहा जाता। ओके, इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 11 की गल करिए, वोल्ट का पूरा नाम की है? वॉइस ओवर लोंग टर्म एवोल्यूशन। देखो दोस्तों, एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन कंप्यूटर फॉरेस्ट गार्ड वास्ते, तो देखो 10 नंबर का कंप्यूटर है, उन्होंने 3 या 4 क्वेश्चन जी फुल फॉर्म के रिलेटड आऊंगे, जी भी फुल फॉर्म तुम्हें मैं दसी जाना यह चंगी तरह रीड कर लियो तो याद रखियो। ओके, वोल्ट का पूरा नाम क्या है? वॉइस ओवर लोंग टर्म एवोल्यूशन इज़ का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 12 की गल करिए, हेठां दित्ती कि वायरलैस टैक्नोलॉजी 10 MB तो वध डाउनलोड स्पीड का समर्थन करती है? 4G सिम, ओबवियस 4G सिम आया तो आप 100 MB, सॉरी 10 MB नहीं है, 100 MB है, 100 MB की ज़्यादा स्पीड आपको दी है डाउनलोडिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 13 की गल करिए, CPU का पूरा नाम की है? सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट, ये भी याद रखियो, ईजी क्वेश्चन है वैसे। क्वेश्चन नंबर 40 तो क्वेश्चन नंबर 14 की गल करिए, कंप्यूटर अंदर किन्ने किस्म की मैमरी होंगी है? तो 2 किस्म की मैमरी होंगी है, प्राइमरी मैमरी तो सेकेंडरी मैमरी। तो हूँ अपने नीचे देख लेने प्राइमरी मैमरी अगे किन्नी किस्म की मैमरी होंगी है प्राइमरी से, तो इस भी 2 किस्म होंगी है, रैम तो रोम। ओके,
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੈਮ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ ਇਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਰੋਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ ਇਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਸੀ ਡੀ, ਡੀ ਵੀ ਡੀ, ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਮਰੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਸੇਵ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਂਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਓਬਵੀਅਸ, ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 21 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 21 ਕਹਿੰਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰੋਂਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 22 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਯੰਤਰ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਮੋਡਮ ਜਾਂ ਰੂਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਮੋਡਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 23 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਟੀਕਲ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਟੀਕਲ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 24 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਨੀਬੈਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਨੀਬੈਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰਲਸ ਬੈਬਿਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੀ ਡੀ ਰੋਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸੀ ਡੀ ਰੋਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੰਪੈਕਟੇਬਲ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 26 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਏ ਐੱਲ ਯੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਲੋਜਿਕ ਯੂਨਿਟ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਏ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਰੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਈ ਬੀ ਐੱਮ 1401 ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਈ ਬੀ ਐੱਮ 1401 ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇਗਜ਼ੈਂਪਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 29 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐੱਮ ਐੱਸ ਆਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਟ ਇਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 3.5 ਇੰਚ ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਐਮ ਬੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ? 3.5 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ 1.44 MB ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 31 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੈਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 32 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐੱਮ ਆਈ ਸੀ ਆਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਕ ਕਰੈਕਟਰ ਰੀਡਰ, ਇਹ ਐੱਮ ਆਈ ਸੀ ਆਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 33 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਈ ਬੀ ਸੀ ਡਿਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਬਾਈਨਰੀ ਕੋਡਡ ਡੈਸੀਮਲ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕੋਡ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਸ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 34 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੀ ਏ ਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕਿਹਾ? ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਡਿਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 35 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੰਕ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੰਕ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਮ ਮੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਥਰੂ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ
हैक हो जाता है तो उसको आपां स्पैम मेल कहे जाते हैं, मतलब कि जिहड़े अणचाहे मैसेज होंगे ने मेल होंगे ने जिहड़े जीमेल ते ईमेल ते आउंदे ने उन्हां नूं आपां जंक मेल या स्पैम मेल कह दिंदे। क्वेश्चन नंबर 36 की गल करिए, एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता जे इस विच नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वह बूट नहीं भी होगा। ओके क्वेश्चन नंबर 37 की गल करिए, गैर संख्यात्मक नॉन न्यूमेरिकल डेटा की उदाहरण इंप्लॉय एड्रेस। देखो किसी भी गवर्नमेंट की साइट होंगी ला लो कोई भी, तो उन्होंने सिर्फ गिने चुने लोग ही यूज़ कर सकते हैं, तो उन्होंने को नॉन न्यूमेरिक डेटा का जो पासवर्ड होंगे तो वह एक एड्रेस होंगे इंप्लॉय का। ठीक है, इस तो बाद गल करिए क्वेश्चन नंबर 38 की गल करिए, एम्बेडेड सिस्टम की है, द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल मशीन। कंप्यूटर तो सॉफ्टवेयर का एक सिस्टम है, एम्बेडिंग सिस्टम कहते हैं जिन्हों, वह मशीन जी कंप्यूटर कंट्रोल करता है उसको एम्बेडिड सिस्टम कहा जाता है। ओके क्वेश्चन नंबर 39 की गल करिए, टाइप किए पात्र यानी करैक्टर्स की दिख की है, यह एक फॉरमैट है जिमें आप कंप्यूटर से कुछ भी टाइप कर देने वह फॉरमैट के रूप में करैक्टर आप टाइप करते हैं अपने बटन टाइप करते हैं तो वह फॉरमैट के रूप में आप स्क्रीन पर शो होंगी है। क्वेश्चन नंबर 40 की गल करिए, किहड़ा प्रोग्रामिंग भाषा में पद्धरी भाषा में श्रेणीबद्ध किया गया है, मतलब प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की कौन प्रोग्रामिंग भाषा से जो पद्धरी पद्धरी भाषा में मतलब जो अपन नॉलेज है जी भाषा की उस विच कन्वर्ट कर दिया गया था, असैम्बली लैंग्वेज यूज़ की सी जिस करके इस लैंग्वेज करके नॉर्मल इंसान है जिहड़ा वह भी चलाउण लग गया सी कंप्यूटर। ओके क्वेश्चन नंबर 41 की गल करिए, कंप्यूटर का पूरा नाम की है, तो कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन परपजली यूज फॉर टैक्नीकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, यह याद रखियो। ओके इस बाद गल करिए क्वेश्चन नंबर 42 की गल करिए, कंप्यूटर में डाटा की सब तो छोटी इकाई की है, बिट होंगी। देखो डाटा आप कंप्यूटर में इन्ना होंगे, सब तो छोटी इकाई किसी को कहा जाता है तो बिट को कहा जाता है, याद रखियो। क्वेश्चन नंबर 43 की गल करिए, कंप्यूटर में एक निवल डैश के बराबर होंगी है, यह क्वेश्चन सब इंस्पैक्टर के एग्जाम में रिपीट हो चुका है, याद रखो एक निवल कि बराबर होंगी है, चार बिट्स की होंगी है, ना कि बाइट दे ना कि बिट दे, बिट्स बिट बाइट अलग अलग चीज़ा ने, तो याद रखो कन्फ्यूजन हो, चार बिट्स के बराबर होंगी है एक निवल। इस बाद क्वेश्चन नंबर 44 की गल करिए, एक बाइट डैश के बराबर होंगी है, इतने हुण बाइट पूछा गया कन्फ्यूजन हो, तो एक बाइट है जी 8 बिट्स के बराबर होंगी है। क्वेश्चन नंबर 45 की गल करिए, सीपीयू के किन्ने हिस्से होंगे ने, तो दो हिस्से होंगे ने सीपीयू के, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग किसी को कहा जाता है सीपीयू में, ही कंप्यूटर सिस्टम का माइंड या दिमाग कहा जाता है। हेठ लिखे विचों केड़ा सॉफ्टवेयर एक अच्छा हेठ लिखे विचों केड़ा एक सॉफ्टवेयर की उदाहरण नहीं है, कहने का भाव क्वेश्चन की कहता है, इन्हों विचों केड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, तो माउस है जिहड़ा यह हार्डवेयर है, जिस चीज़ को आप टच कर सकते हैं छू सकते हैं है ना, वह हार्डवेयर भी आते हैं, तो यह जिहड़े ने यह सारे सॉफ्टवेयर ने, एम एस ऑफिस क्रोम टैली ये सारे जिहड़े सॉफ्टवेयर ने। ओके क्वेश्चन नंबर 48 की गल करिए, कंप्यूटर दे किन्नी जनरेशन आई है, टोटल 5 जनरेशन कंप्यूटर की आ चुकी है, तो अज आप यूज़ करने हैं 5th जनरेशन के कंप्यूटर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की गल करिए, कंप्यूटर की पहली जनरेशन का अंतराल समा की सी, 1959 तो लैके 1946 जिहड़े भी कंप्यूटर से वह कंप्यूटर की पहली जनरेशन इंक्लूड किए गए। फस्ट जनरेशन से आधारित कंप्यूटर किस टैक्नोलॉजी दे सी, इन्हां विच की होंदा सी वैक्यूम ट्यूब द्वारा यह चलाए जाते करके इन्हों का आकार काफ़ी बड़ा से, याद रखो। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 51 की गल करिए, मैमरी विच के बी का पूरा नाम की है, द किलोबाइट के बी की फुल फॉर्म है।